नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है। दिवाली या दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो इस साल 14 नवंबर को मनाई जा रही है। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त में किया जाता है। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न में पूजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लग्न में उदित होते हैं तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, क्योंकि ये चारों राशि स्थिर स्वभाव की होती हैं। महानिशीत काल के दौरान भी पूजन का महत्व है, लेकिन ये समय तांत्रिक पंडित और साधकों के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। इस काल में माँ काली की पूजा का भी विधान है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में वातावरण की शुद्धि और पवित्रता के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दियों की एक श्रृंखला बनाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें या दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश रखें, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। इसके साथ देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान से पूजा करें। महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर ही करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरणों की भी पूजा करें। पूजन के बाद श्रद्धानुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।